हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे गाइस। तो जब तक ये वीडियो आएगी तब तक अपनी बाइक नहीं बताऊंगा। चलो ये पहले वीडियो डाल, नहीं इसके बाद ही डालूंगा। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए बताऊंगा कि अपाची 164 भी आपको लेना चाहिए, आपको NS 160 लेना चाहिए। एंड क्विक कंपैरिजन होने वाला है गाइस, छोटा सा कंपैरिजन है। एंड आप लोगों को कंक्लूजन बता दूंगा कि आप किन किन यूजर को आपको कौन सा लेना चाहिए। सो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्टली बात करते हैं गाइस इंजन से। तो दोनों का 1cc सेगमेंट का इंजन है गाइज। ये भी 4 वाल्व है, ये भी 4 वाल्व है गाइज। तो दोनों इंजन सेम है, वो भी ये भी E20 है, ये भी E20 है गाइज। तो इंजन की बात करें तो दोनों सेम है, लेकिन पावर की बात करें गाइज तो इसमें 17.2 PS है, इसमें 17.31 PS है। तो 0.1 PS इसमें ज़्यादा है गाइज। इसमें न्यूटन मीटर का टॉर्क 14.6 है, इसमें 14.7 है। तो 0.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा है गाइज इसमें। तो कहीं ना कहीं पावर की बात करें गाइस तो पावर इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, ठीक है। नो डाउट ऑन पेपर अगर पावर की बात करें तो गाइस इसमें ज़्यादा है, एंड ऐसे भी गाइस ज़्यादा है। तो पावर की बात करें तो पावर इसमें ज़्यादा है। बट गाइस, अब आप लोगों के आप सामने से देख सकते हो आप लोगों को क्या मिल रहा है गाइस। इसमें अभी तक टेलीस्कोपिक मिलता है गाइस, लेकिन अपनी NS 160 BS7 में हमें मिल रहा है USD 33 mm का USD हमें मिल रहा है गाइज, और इसमें टेलीस्कोपिक है गाइज। तो फर्स्टली एडवांटेज लेता है अपनी गाड़ी, एंड सेकेंड एडवांटेज गाइज, तो फर्स्ट एडवांटेज ये ले लेता है गाइज अपनी गाड़ी USD के साथ। और सेकेंड एडवांटेज गाइज, इसमें मिलता है हमें सिंगल चैनल ABS। तो आप देख सकते हो इसमें मिलता है सिंगल चैनल ABS, लेकिन इसमें गाइज मिलता है डुअल चैनल ABS। तो गाइज दो एडवांटेज अपनी गाड़ी को जाती है, पहले ब्रेकिंग में, नहीं सॉरी पहले लुक्स में। तो गाइज लुक्स सब्जेक्टिव है। देखो जैसे कि लुक्स की बात करें तो इसमें LED ऑल LED सेटअप मिलता है, बस आपका इसका इंडिकेटर हैलोजन मिलता है, लेकिन इसमें सारा कुछ हैलोजन मिलता है गाइज। ये तो मैंने LED करवा रखी है आफ्टर मार्केट, तो लिंक होगा आप देख लेना। तो लेकिन इसमें गाइज देख सकते हो आप हेडलाइट मिलता है, लो बीम हाई बीम DRL। तो अगर ऑन करें गाइज तो देख सकते हो आप ऐसा कुछ दिखता है, हाई बीम हो, लो बीम हो गया है, DRL हो गया, और ये हाई बीम हो गया गाइज, और ये है इसका इंडिकेटर हैलोजन में। तो फीचर्स की बात करें गाइज फ्रंट लुक से, तो ये सब्जेक्टिव है, किसी किसी को NS पसंद है तो किसी किसी को अपाची 164 भी पसंद है। तो लुक की बात करें गाइज तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अपनी NS रॉ मशीन लगती है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया लगती है गाइज। तो लुक में तो ये भी बहुत बढ़िया लगती है गाइज। लेकिन अब बात करें गाइज ब्रेकिंग की, तो गेस व्हाट, ब्रेकिंग में गाइज अपनी बाइक आगे निकलती है। एंड इसमें कैसे गाइज, इसमें हमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन इसमें हमें डुअल चैनल ABS मिलता है। और गाइज 1cc सेगमेंट में NS के बराबर की ब्रेकिंग किसी भी बाइक में नहीं होगी। आप किसी बाइक में होगी तो दिखाना मुझे यार, लेकिन ब्रेकिंग में सबसे आगे है गाइज। लेकिन नो डाउट इसका भी सिंगल चैनल ABS है, तो इसका भी ब्रेकिंग ठीक है गाइज, लेकिन मतलब कि NS के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम मिलती है। तो ये थोड़ी सी प्लस पॉइंट NS के पास है, USD प्लस पॉइंट NS के पास है, एंड NS के पास है ब्रेकिंग, ठीक है। और इसकी प्लस पॉइंट बात करें गाइज तो इसकी प्लस पॉइंट क्या है, तो इसकी प्लस पॉइंट ही गाइज ये देखो LED DRL और प्लस में मीटर डिजिटल, तो मीटर पे बाद में आएंगे गाइज। तो इसका एडवांटेज है गाइज, और पावर ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें ज़्यादा है। और अगर पीछे से लुक की बात करें तो गाइज गाड़ी गंदी हो रखी है, थोड़ा सा इग्नोर करना। तो पीछे का लुक गाइज देख सकते हो आप लोग, तो पीछे से मतलब कि हमारी गाड़ी गंदी हो रखी है, क्योंकि यार बारिश का टाइम था तो इसीलिए धुलवाया नहीं अभी, क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आ गया हूँ। तो गाइज अगर पीछे से लुक की बात करेंगे तो नो डाउट ये थोड़ी सी ऊंची लगती है, ये थोड़ी सी नीची लगती है गाइज। तो पीछे के लुक के, और इसमें अच्छा सा एग्जॉस्ट मिलता है गाइज, ये देख सकते हो एग्जॉस्ट कितना मस्त मिलता है। लेकिन अपनी गाड़ी में ये देखो छोटा सा एग्जॉस्ट पिद्दी सा, तो लेकिन ये सेक्सी लगता है गाइज, पतली लगता है अपनी पीछे से, शार्प लुक देता है गाइज। तो NS में शार्प लुक मिलते हैं और इसमें ऐसा मिलता है गाइज। अगर आप लोगों को बात मीटर की बात दिखाऊं तो पहले NS की बात करते हैं। सो गाइज मीटर में आप लोग देख सकते हो NS का IS है, ये देखो ये सेटिस्फेक्शन, अब की जो NS आ रही है भाई उसमें तो पूरा ख़त्म ही करती है गाइज। तो हमें पहले मीटर में मिलता है गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, साइड स्टैंड, टाइम, स्पीडोमीटर, ये हो गया Trip 1, ये हो गया Trip 1, Trip 2, डिस्टेंस, फ्यूल इकोनॉमी, मतलब डिस्टेंस टू इम्पटी, और फिर कितनी माइलेज देती है वो भी आप लोगों को दिखता है गाइज। सो ये देखो यहाँ पे
और ये कितने कितने पे सर्विस करवाना है ये भी यहाँ पे दिखता है गाइज, अगर फोकस कर रहा होगा तो। और ये देखो अगर माइलेज देखना है तो गाइज इसको प्रेस करो, और ये 35 की अभी माइलेज दे रही है क्योंकि रस चलाया हूँ गाइज, तो इग्नोर करना। तो मीटर इसका ऐसा है, और मीटर भी सब्जेक्टिव है गाइज, लेकिन ये बहुत प्यारी मीटर है यार, अब तो अब की एनएस में तो भाई ख़त्म कर दी है। तो अभी इसको बंद करते हैं, अब गाते आते हैं गाइज अपाची पे। तो अपाची 164B का देख सकते हो मीटर, क्या मस्त मीटर है भाई, नो डाउट जिनको ये पसंद है उनको ये पसंद है, लेकिन यार इसका मीटर आप देख सकते हो कितनी खतरनाक है। अभी ये स्पोर्ट्स में, इसमें ये पहली ऐसी बाइक है गाइस जिसमें मोड्स मिलते हैं, ठीक है, 1cc सेगमेंट में इसमें मोड मिलते हैं। इसका एडवांटेज है मीटर, देख सकते हो मीटर में फुल्ली डिजिटल, आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, मोड मिल जाते हैं, यहाँ से मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो, रेन मोड हो गया, फिर अर्बन मोड हो गया, फिर स्पोर्ट्स मोड हो गया, फिर आप थ्रॉटल को भी क्लोज कर सकते हो गाइस इसमें, मतलब कि आप अगर किसी को बाइक दे रहे हो तो आप जो चाहो कि ज़्यादा ना भगाए तो इसमें वो कर सकते हो गाइस। और यहाँ पे सारा कुछ लाइट्स मिलती है, एंड मीटर में नो डाउट ये आगे है गाइस, और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है गाइस। तो फीचर्स की बात करें तो गाइस ये सबसे आगे है बाइक इस सेगमेंट में, इतनी ज़्यादा फीचर्स कोई बाइक नहीं देता, लेकिन अब की NS में इसमें भी फीचर्स आ गए हैं, लेकिन यार वो मतलब सब्जेक्टिव बुक है तो उसको छोड़ दो यार, लेकिन ये बाइक में फीचर्स बहुत अच्छा मिलता है। अब मैं सीटिंग पोस्चर की बात करूँगा गाइस, तो सीटिंग पोस्चर में सबसे ज़्यादा स्पोर्टी ये मिलता है, ये भी स्पोर्टी मिलता है, लेकिन ये कम्यूटर सेगमेंट की मिलता है, इसमें सिंगल इसमें भी सीट मिलते हैं, उसमें स्प्लिट सीट मिलते हैं, इसमें सिंगल सीट मिलते हैं, आई थिंक सो स्प्लिट सीट नहीं सिंगल सीट ही मिलते हैं गाइस। तो स्पोर्टनेस की बात करूँ तो ये ज़्यादा है, अगर कंफर्ट की बात करूँ गाइस तो कंफर्ट में ये ज़्यादा है, कंफर्ट में भी नो डाउट अच्छा है, लेकिन आपके पास आपकी मम्मी वगैरह बैठती हैं तो ये बाइक अच्छी है गाइस, लेकिन इस पे मम्मी को बैठाएगा तो मम्मी बोलेगी कहाँ ऊँट पे बिठा दिया। तो बात करूँ तो कंफर्ट के मामले में तो ये आगे निकलती है, एंड ये स्पोर्टिनेस के मामले में आगे निकलती है गाइस। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट नोट की, तो चलो आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, रेव करो इसको चला के रेव करो, हाँ थ्रॉटल करो। सो गाइस इसका एग्जॉस्ट नोट देख सकते हो आप, देख सकते हो क्या मस्त आ रही है। सो गाइस अब चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका, इसको रेव करो। सो गाइस अब देखो अपाची का थ्रॉटल दिखाता हूँ आप लोगों को गाइस। सो अपाची का देखते हैं कितना स्पोर्टनेस है। सो गाइस देखते हैं, ओ भाई भाई भाई। सो एग्जॉस्ट नोट की बात करें गाइज तो थोड़ा सा स्मूथ है लगती है, मतलब कि थोड़ा मतलब बहुत मतलब कि इसका जो एग्जॉस्ट है ना बहुत अच्छी मतलब कि फील देता है कानों को, और इसका भी देता है लेकिन इसका थोड़ा कम देता है इससे, लेकिन एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो इसमें लगा हुआ है गाइज इतना बड़ा एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट इसका सही है गाइज, और बाकी इसका भी सही है गाइज, ऐसा नहीं है कि मतलब इसका कम ऐसा है, ये दोनों का एग्जॉस्ट सही है, मतलब सेम ही समझ लो, ठीक है। तो अगर आप लोग कंक्लूजन की बात करें गाइस कि आप किन लोगों को ये लेना चाहिए, आपको सिटी में चलना है, फैमिली वाले बंदे हो आप तो आप ये ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको माइलेज अगर सॉरी गाइस माइलेज की बात करें तो माइलेज दोनों का सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक दो का फ़र्क होगा लेकिन दोनों का सेम है गाइस। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग फैमिली वाले बंदे हो तो आप लोगों को ये लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, कम्फर्ट बहुत अच्छा है। अगर आप एक मेरे जैसे बंदे हो, जैसे कॉलेज वगैरह जाते हो, आपको स्पोर्टिनेस चाहिए तो आप NS की तरफ जा सकते हो, एंड आपको फीचर्स लोडेड मतलब आपको फीचर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना गाइज, डिजिटल चाहिए, सब कुछ एलईडी चाहिए तो गाइज आप ये ले सकते हो, लेकिन आपको यार उतना कुछ नहीं है, आपको स्पोर्टिनेस में मतलब स्पोर्टिनेस चाहिए तो गाइज आप NS ले सकते हो। एंड अगर बात करें प्राइजिंग की, सो गाइज प्राइजिंग में ये पड़ती है अभी BS7 अभी की बात है, BS7E20 वाली, अभी डिजिटल वाली की बात नहीं कर रहे हैं। सो गाइज ये पड़ती है आप लोगों को मैं बता दूं तो ये पड़ती है कितने की, 160,000-161,000 के आसपास, सिटी टू सिटी प्राइस वेरी करता है गाइज, और ये पड़ती है 1,54,000-1,55,000 में पड़ जाती है गाइज, 1,56,000 में। तो प्राइस में थोड़ी सी महंगी है और प्राइस में थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन फीचर्स बहुत हैं। तो गाइज देखो अगर ऑन पेपर नहीं, अगर मैं चलाने की बात करूं तो गाइज नो डाउट ये अच्छी है, ये भी अच्छी है, लेकिन इसमें पंच बहुत ज़्यादा मिलता है गाइज, इसमें पंच थोड़ा कम है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें गाइज तो फैमिली वाले बंदे हो, आपको फीचर्स चाहिए एंड ये सब चाहिए तो आप ये ले सकते हो। अगर ऐसा बात करें आपको मेरे जैसे लौंडे हो, आपको मतलब राइड करना है एंड थ्रॉटल फुल थ्रॉटल कितना हाइयर RPM पे पावर चाहिए तो गाइज
ए ले सकते हो। ये हाइयर आरपीएम 7000 आरपीएम के बाद गाइस ये तो खतरनाक बन जाती है। अगर अगर आप लोग नॉर्मली मतलब कि आप लोग डेली सिटी टू सिटी राइड करते हो, मतलब फैमिली के साथ राइड करते हो, तो ये है आपके लिए। और ये फैमिली के लिए उतना नहीं है, मतलब है लेकिन उतना नहीं है गाइज। सो यही कंक्लूजन रहा गाइज, एंड यही दो एक छोटा सा कंपेरिजन रहा। तो आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सपोर्ट करना भाई को। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।